हेलो फ्रेंड्स, UDCRA में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समरसेंट वर्सेस सरी के बीच में जो इंग्लिश ODI कप होने वाला है उस मैच की। सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेंड्स ये बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टिक कर लीजिए, जिससे होगा क्या, मैं जैसे ही अपने अगले मैच की वीडियो अपलोड करूँगा वो साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी और आप सबसे पहले अपनी टीम सेट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने समरसेट और सरी के बीच में जो मैच होने वाला है उसके लिए एक नोट्स तैयार किया है, वो मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा वीडियो में और ड्रीम इलेवन की दो टीमें भी आपको दूंगा जो आपके लिए किसी भी लीग के लिए अच्छी रहेंगी। आप इजीली उन टीम्स को फॉलो करके ड्रीम इलेवन में स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें उतार सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया ये समरसेट और सरी के बीच में मैच है, ये ओल्ड रॉयल लंदन वनडे कप है। अगर देखा जाए तो ये मैच 18 मई को खेला जाएगा। स्टेडियम मैच का कैनिंगटन ओवल लंदन रहेगा। अगर दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 देखी जाए तो सबसे पहले हम समरसेट की प्रोबेबल 11 देखते हैं। स्टीवन डैविज इनकी कीपिंग करेंगे, जोहन माइबर्ग आएंगे वो भी प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, जेम्स हिल्डरेथ भी हो सकते हैं, मैट्रेंशो भी हो सकते हैं, टॉम अबेल होंगे, लियो ग्रेगरी होंगे, पीटर ट्रिगो होंगे, रॉयल ऑफ वेंडर मर्व होंगे, टीम ग्रोइनवॉल्ड होंगे और क्रेग ओवरटन होंगे। वहीं अगर सरी की प्रोबेबल 11 की बात की जाए तो इनके रॉय बर्न्स होंगे, बेन फॉक्स इनके कीपिंग करेंगे, हो सकता है ऑयली पॉपे भी इनके विकेट कीपिंग कर सकते हैं, उनका भी नाम विकेट कीपिंग में आ रहा है, लेकिन ये दोनों खेल रहे हैं, एक इनमें से बैटिंग भी करेगा और दूसरा बैटिंग प्लस कीपिंग दोनों करेगा। डीन एल्गर खेल रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। डीन एल्गर मैं दोबारा कर लिख चुका हूँ, आप एक बार इग्नोर कर लीजिएगा। रिकी क्लार्क खेल रहे हैं, जेड डरबैच खेल रहे हैं, सैम कुरन खेल रहे हैं और गैरी बैथी खेल रहे हैं। फ्रेंड्स ये तो हमारे एक तरह से प्रोबेबल 11 होगी जो मैच खेलेंगे। फ्रेंड्स जो लाइकली इनकी प्रोबेबल होगी समरसेट और सरी की, अब मैं आपको दो प्रोबेबल दो ड्रीम इलेवन की टीम्स दूंगा जो आपको काफ़ी अच्छे क्रेडिट देके जाएगी। टीम्स मैंने काफ़ी मेहनत करके दोनों ड्रीम इलेवन की टीम्स बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, टीम दिखाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने दो टीमें बनाई हैं। सबसे पहले आपको मैं पहली टीम दिखाता हूँ। विकेट कीपिंग में स्टीव डैविस हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। मैं आपको अल्टरनेटिव्स दे सकता हूँ, आप बेन फॉक्स को बना सकते हैं, ले सकते हैं और ऑयली पॉपे को आप ले सकते हैं। वहीं अगर बैटिंग की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर जैसे कि विराट कोहली का तो पता है बैंगलोर के मैचेस है, IPL में बिजी है, फिंच भी IPL में बिजी है, जेसन रॉय भी IPL में बिजी है, मार्कस थ्रेस्कोसिक की कोई न्यूज़ नहीं है तो आप इन्हें मत लेना। तो मैंने यहाँ पर जेम्स हिल्डरेथ को लिया है, जॉन माइबर्ग को लिया है, डीन एल्गर को लिया और मैंने रॉय बर्न्स को लिया। आपको अगर ऑप्शंस चाहिए तो मैं ऑप्शंस आपको देता हूँ। आप मैट्रेंशो को ले सकते हैं, अबेल को ले सकते हैं, बाकी किसी को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों पे आप अगर मेरी टीम से थोड़ा सा डिफरेंट देना चाहते हैं तो इन दोनों को आप ले सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर देखा जाए तो आप मैंने यहाँ पर रॉयल ऑफ वंडर मॉव को लिया है, लियो ग्रेगरी को लिया और स्कॉट बोर्थविक को लिया है। आप अगर इसकी जगह चाहे तो यहाँ पर आप पीटर ट्रिगो को आप ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके लिए पीटर ट्रिगो का ही है, मैंने उसे ले भी लिया है तो आप इन्हें ले सकते हैं। मिचेल मार्श को लेने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लेइंग नहीं कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो मैंने क्रेग ओवरटन को लिया है, जेड डर्नन बैच को लिया है और ग्रेथ बैथी को लिया है। आपके पास अगर ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पर टिम को ले सकते हैं और अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर सैम कुरन को आप ले सकते हैं। और किसी को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दो दो ऑप्शन आपके लिए बेटर बेस्ट रहेंगे, इनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर कप्तान वाइस कप्तान की बात की जाए तो आप मैंने यहाँ पर स्टीव डैविस को और रॉयल वेंडरमार्क को बनाया है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पर डीन एल्गर को स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हैं, जोहन माइबर्ग को बना सके, रॉय मोइबर्ग को बर्न्स को बना सकते हैं, जेम्स हिल्डरेथ को बना सकते हैं, ग्रेगरी को भी आप बना सकते हैं और पीटर ट्रिगो को भी आप बना सकते हैं। ओवरटन के चांस बॉलिंग है, एक दो विकेट्स तो लेके जाएंगे लेकिन कप्तान के लिए प्रेफर मैं आपको नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स मैंने आप काफ़ी ऑप्शन भी दे दिए हैं। अब मैं आपको अपनी दूसरी टीम दिखाता हूँ, थोड़ी सी रिस्की है लेकिन ये भी सेफ टीम है। ओवरऑल तो ऑली पॉपे को मैंने यहाँ पे विकेट कीपिंग में रखा है, बेन फॉक्स को आप रख सकते हैं अगर आप तीन टीमें बना रहे हैं।
बैटिंग में नहीं, मैंने यहाँ पर जेम्स को निकाल कर जोहन वाइबर्क को, डीन एल्गर को, मैटरेंशो को रख लिया, और रोई बर्न्स को इसमें मैंने ले लिया है। मैटरेंशो को मैंने यहाँ पर जेम्स हिल्डरेथ की जगह लिया है, और यहाँ पे मैंने रॉयल वेंडरमार्क, लियो ग्रेगरी और बोर्थविक को मैंने इसमें ले लिया। आप अगर चाहे तो यहाँ पर पीटर ट्रिगो को ले सकते हैं, बिकॉज बोर्थविक का थोड़ा सा मुझे श्योर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क के साथ जा रहा हूँ। बॉलिंग में मैंने यहाँ पर ओवरटन को लिया है, जे डरबैच को लिया है और जी बैथी को लिया है। आप अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहे तो यहाँ पर आप समरसेट के ही टीम को आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं एक टीम के मेरे पास 6 हैं और दूसरी के मेरे पास 5 हैं। ओवरऑल बैलेंस टीम मैंने बनाई है। कप्तान मैंने थोड़ा सा सेफ चलने के लिए मैंने वेंडरमार्क को कप्तान बना दिया एज एन ऑलराउंडर, और जोहन माइवर्क को वाइस कप्तान बनाया है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी टीम कैसी लगी। अगर कोई सजेशन देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।